two planets in seventh sign from each other aspect each other the same way. What I want to understand from this question is that if two planets are in seventh sign from each other, we understand that seventh aspect for all planets, seventh aspect is a full aspect. And since it is a full aspect, two planets seventh to each other will be aspecting each other fully, right? Is that understanding true? That's the question. क्या एक दूसरे से सातवीं राशि में स्थित दो ग्रह एक दूसरे पर समान दृष्टि रखते हैं? यह प्रश्न है, ठीक है? यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि सारे ग्रह सातवें राशि पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं. तो अगर दो ग्रह एक दूसरे से सातवें राशि में है तो हम यही समझेंगे कि उन दोनों की एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि है और इसीलिए वो दृष्टि एक बराबर है. परंतु यह जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है कि दो ग्रह जो एक दूसरे से सातवें राशि पर हो उनकी एक दूसरे पर जो दृष्टि है वो दृष्टि भी एक समान हो. So it is not necessary that the aspect of two planets in seventh sign from each other will be equal. So let me explain this. And to explain this, we again look at Shatbala. And what do we look at Shatbala? In Shatbala, we look at what we call aspectual strength or Drikbala, right? The first thing to understand is that the full aspect that we understand, full aspect is not an aspect on the seventh sign as is commonly understood, but is an aspect on 180 degrees. And that's a difference, right? A sign is 30 degrees. A sign has a span of 30 degrees. A planet does not aspect all 30 degrees of the sign seventh to it equally. It aspects fully exactly 180 degrees from where it is positioned. And from there onwards, okay, the aspect is unequal. Okay, it is not full. It will be less than full, right? A few practical examples will demonstrate this better. सर्वप्रथम यह समझने की आवश्यकता है कि पूर्ण दृष्टि कोई ग्रह अपने से सातवें राशि पर नहीं डालता. पूर्ण दृष्टि तो 180 डिग्री पर होती है. देखिए, एक पूरी राशि जो है राशि 30 डिग्री की राशि होती है. तो एक ग्रह बैठा हुआ अपने से सातवें राशि पे सारे 30 डिग्री पे पूर्ण दृष्टि नहीं डालता. पूर्ण दृष्टि वो केवल 180 डिग्री पे डालता है और 180 डिग्री के इर्द गिर्द वाली जो डिग्रियां हैं उस पर दृष्टि पूर्ण से कम होती है, ठीक है? कुछ उदाहरण मैं दूंगा आगे, उससे यह प्रदर्शित बेहतर होगा, ठीक है? तो और ना केवल पूर्ण दृष्टि, हमें यह भी जानना आवश्यक है कि पूर्ण दृष्टि के अलावा आधी दृष्टि, चौथाई दृष्टि और तीन चौथाई दृष्टि भी होती है. जैसे अगर हम सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र ले लें तो यह तो है कि सातवें पे या 180 डिग्रीज पे दृष्टि पूर्ण होती है, परंतु तीसरे पे 60 डिग्रीज पे चौथाई दृष्टि भी होती है, चौथे पे तीन चौथाई डिग्री दृष्टि भी होती है. और जब ये जो अलग अलग दृष्टियां होती है, अब यह तो आवश्यक नहीं है कि कोई ग्रह जो है वो एक दूसरे ग्रह से एग्जैक्टली 60 डिग्रीज की दूरी पर हो या एग्जैक्टली 90 डिग्रीज की दूरी पर हो, एग्जैक्टली 30 डिग्रीज की दूरी पे हो, ये होना आवश्यक है नहीं. अधिकतर हम यही देखेंगे कि यह 62, 63, 64 ऐसी दूरी पे होती है ना? और अगर ऐसी दृष्टि पे होती है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर समझिए एक ग्रह दूसरे ग्रह से 62 डिग्री की दूरी पर है तो जो दृक बल है वो 15 से 45 के बीच का कुछ होगा. अगर 62 है तो 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है? अगर 79 है तो 45 से थोड़ा सा कम होगा, वगैरह वगैरह. जब हम मंगल का अध्ययन करते हैं तो मंगल की तो कुछ खास दृष्टियां भी आ जाती हैं, उसकी वजह से मंगल का अध्ययन अलग से करना चाहिए.
गुरु का अध्ययन भी अलग करना चाहिए, क्योंकि गुरु की भी कुछ अपनी खास दृष्टियां हैं जो मंगल से अलग है ना, और शनि की भी कुछ खास दृष्टि है जो मंगल और गुरु दोनों से अलग है, और सातवें पर तो खैर सबकी दृष्टि होती ही होती है ना। तो अगर हमें ये जो दृष्टि बल मापना है, तो हम इन ग्रहों के लिए के पूर्ण दृष्टि, चौथाई दृष्टि, आधी दृष्टि, तीन चौथाई दृष्टि के हिसाब से हम कुछ कुछ सूत्र बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट फॉर्मूलास विच विल हेल्प अस विथ ईज टू कंप्यूट द एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ एस्पेक्ट्स बाय दीज प्लैनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेयर डू द प्लैनेट्स हैव फुल एस्पेक्ट, क्वार्टर एस्पेक्ट, थ्री क्वार्टर एस्पेक्ट, हाफ एस्पेक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एनी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजिली थ्रू दिस फॉर्मुलास। एंड फॉर सम ऑफ यू ऑल हु हैव बीन टीचिंग और हैव लर्न शतपथ फॉर्मूली, यू विल इवन बी फेमिलियर विद दिस फॉर्मुलास, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल, ओके? आई वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू प्लैनेट्स विच आर इन सेवेंथ साइन फ्रॉम ईच अदर, ओके? मून इज इन एरीज एट 5 डिग्रीज एंड इन लिब्रा वी हैव वीनस एट 25 डिग्रीज। नाउ बोथ ऑफ देम आर सेवेंथ टू ईच अदर। नाउ कन्वेंशनल थिंकिंग विल टेल यू दैट मून्स एस्पेक्ट ऑन वीनस इज फुल, वीनस इज एस्पेक्ट ऑन मून इज फुल, राइट? एंड देयरफॉर द एस्पेक्ट दैट दे हैव ऑन ईच अदर इज फुल। तो अगर हम यह कुंडली देख लें, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा मेष में स्थित है और उसके सातवें राशि में शुक्र स्थित है, तुला में, ठीक है? तो चंद्रमा 5 डिग्री पे स्थित है और शुक्र जो है वो 25 डिग्री पे स्थित है। अब हम यहाँ आकलन करेंगे कि क्योंकि चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे से सातवें राशि पर हैं, तो इन दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि है, और इसलिए हम कहेंगे कि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे पूर्ण है, चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पे पूर्ण है, तो यह दृष्टि एक समान है। परंतु अगर हम जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उससे दृष्टि बल मापेंगे, तो हम जानेंगे कि यह सही नहीं है। सो व्हेन वी कंप्यूट मून्स एस्पेक्ट ऑन वीनस एंड वीनस एस्पेक्ट ऑन मून यूजिंग द फॉर्मूलाज दैट वी हैव डिराइव्ड इन शतबला, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट These strengths are not equal. So let's first start with Moon's aspect on Venus. Now, Moon's aspect on Venus is an aspect greater than 180 degrees, right? Because from Moon to Venus is 200 degrees. So the aspectual value for that is 300 minus 200 divided by 2, which gives you 50 shastriyamshas of strength. So the aspect of Moon on Venus is 50 shastriyamshas, right? Now let's look at Venus's aspect on Moon. Now, when you traverse from Venus to Moon, this aspect is actually less than 180. This is only 160 degrees. Venus to Moon is 160 degrees away, for which there is a different formula, which is Drishti Kendra minus 150 into 2. And when you compute using this formula, then you realize that Venus's aspect on Moon is actually 20 shastriyamshas. Now compare this. Moon's aspect is 50 shastriyamshas and Venus's aspect is 20 shastriyamshas. Are they equal to each other? Not at all. Moon's aspect on Venus is 2.5 times Venus's aspect on Moon, right? 2.5 times Venus's aspect on Moon. तो अगर हम फॉर्मूला से, सूत्रों से माप ले कि दृष्टिबल कितना होता है, तो शुक्र पर जो चंद्रमा की दृष्टि है उसके लिए जो सूत्र है, 180 डिग्री से अधिक की दूरी पर है, तो वह सूत्र होता है कि 300 से आप दृष्टि केंद्र कम कर लीजिए और इसे 2 से बांट लीजिए, ठीक है? तो ऐसे में आपको 50 षष्ठीयांश की दृष्टि मिलती है। तो चंद्रमा की दृष्टि जो शुक्र पर है वो 50 षष्ठीयांश की है। पर जब आप चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि देखते हैं, तो शुक्र से चंद्रमा जाने पर आप देखेंगे कि यह 180 डिग्री पर नहीं है, 180 से कम दूरी पर है, यह 160 डिग्री पर है। और 160 डिग्री पर होने पर सूत्र बदल जाता है, फॉर्मूला बदल जाता है, और वह है दृष्टि केंद्र से आप 150 घटा लीजिए और उसे दोगुना कर दीजिए। तो जब यह सूत्र आप इस पर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जो दृष्टि है, दृष्टिबल, वो निकल के आता है 20 षष्ठीयांश। तो
चंद्रमा की दृष्टि हुई 50 षष्ठ्यांश, शुक्र की दृष्टि हुई 20 षष्ठ्यांश, ये कहां से एक बराबर हुई? ये एक बराबर हुई नहीं, चंद्रमा की दृष्टि जो है वो शुक्र की दृष्टि से 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। तो यह कहना गलत है कि केवल और केवल एक दूसरे से सातवें राशि पे होने की वजह से दृष्टि जो है वो पूर्ण है या दृष्टि जो है वो एक समान है। तो यहाँ पे पूर्ण भी नहीं है, पूर्ण दृष्टि 60 षष्ठ्यांश की होती, वो ना तो चंद्रमा की दृष्टि है ना वो शुक्र की दृष्टि है, और एक बराबर तो है ही नहीं। सो नाइदर इज द दृष्टि इक्वल, ओके, द एस्पेक्ट इक्वल, दिस इज नॉट इवन फुल, ओके, सो जस्ट बिकॉज दे आर सेवंथ फ्रॉम ईच अदर द दृष्टि इज नॉट फुल, द एस्पेक्ट इज नॉट फुल, फुल वुड हैव बीन 60 षष्ठ्यांशस, हियर वन इज 50 षष्ठ्यांशस, द अदर इज 20, सो दीज आर अनइक्वल, राइट? Now this becomes even more acute sometimes. I'll give you one more example. So this we have taken only two, right? Let us look at one example where I take three planets and where I will try to demonstrate that what is the predictive value of this, okay? Now I have taken Moon at 25 degrees in Aries, and I have Venus which is in Libra at 5 degrees, and Mercury which is 5 degrees in Scorpio, the adjacent sign. Okay, now your traditional understanding would be that Moon's aspect on Venus is full, okay, and therefore great, while Moon's aspect on Mercury is not full, right, is 3/4, and therefore will be less, right? That is a conventional understanding. मैंने जो आपके समक्ष उदाहरण रखा है ये वाला, जिस यहाँ पे 3 ग्रह हम देख रहे हैं, चंद्रमा 25 डिग्री मेष में है, शुक्र जो है वो तुला में 5 डिग्री में है, और बुध जो है वो 5 डिग्री वृश्चिक में बैठा हुआ है। अब हम यहाँ समझेंगे कि चंद्रमा की दृष्टि जो है वो शुक्र पर पूर्ण रूप पूर्ण है ना, और इसीलिए वह दृष्टि अधिक है, और चंद्रमा की दृष्टि जो बुध पर है, जो बुध 8वें में है चंद्रमा से, वह शुक्र के मुकाबले कम दृष्टि होगी। पर अगर हम यह माप लें तो हम समझेंगे कि यह सही नहीं है, ठीक है? तो लेट्स कंप्यूट द एस्पेक्चुअल वैल्यूज एंड सी हाउ इट इज। सो फॉर्मूला फॉर मून्स एस्पेक्ट ऑन वीनस, व्हिच इज वीनस हैपेंस टू बी 160 डिग्रीज फ्रॉम मून, मून इज एट 25 एंड वीनस इज एट 5, ओके, दिस वैल्यू इज 20 षष्ठ्यांशस, applying the formula that is there. So Moon's aspect on Venus is of 20 षष्ठ्यांशस. Let us look at Moon's aspect on Mercury. The formula for that is different because Mercury is a little more than 180 degrees away from Moon. And when you apply the formula of 300 minus Drishti Kendra divided by 2, then the value that you get is 55 षष्ठ्यांशस. Okay? So here, Moon's aspect on a planet 8th from it is higher than Moon's aspect on a planet 7th from it, right? So the conventional thinking that 7th aspect is full and other aspects are lesser, okay, does not apply as is, because remember 7th aspect, when we say it is actually an approximation, what we should actually be saying is that 180 degree aspect is full. When we understand from that perspective, we will understand this better. Right, so the 8th aspect is more than 2.5 times that of the 7th aspect in this particular case. So shukra par jo chandrama ki drishti hai uske liye jo sutra hum apnate hain, kyunki chandra se shukra 160 degree ki duri par hai, to jo sutra hai wo hai drishti kendra se 150 ghataye aur jo baki bacha use dugna kar de, to aise mein drishti nikal ke aati hai 20 षष्ठ्यांश, ठीक है? तो चंद्रमा शुक्र पर 20 षष्ठ्यांश की दृष्टि रखती है, और वह ऐसी दृष्टि जो सातवें राशि पर विराजमान शुक्र को चंद्र देती है, ठीक है? अब जो 8वें में विराजमान बुध है, उस पर कैसी दृष्टि है चंद्र की? अगर हम दूरी मापें तो दूरी 180 से अधिक है, और 180 से अधिक होने के कारण एक दूसरा सूत्र अपनाया जाएगा, वह है 300 से आप दृष्टि केंद्र घटा लीजिए और उसे 2 से बांट लीजिए, तो 300 से आप 190 घटा लीजिए और 2 से बांट लीजिए, आपके पास बचेगा 55 षष्ठ्यांश। तो चंद्र से
बुद्ध की दृष्टि जो है वो 55 सृष्टियांश है। तो यहां पे ऐसी स्थिति है कि जो आठवीं दृष्टि है चंद्र की, वह आठवीं दृष्टि जो है वो सातवीं दृष्टि से 2.5 गुना से भी अधिक है। हमारी समझ यह कहती है कि सातवीं दृष्टि से अधिक कोई दृष्टि हो नहीं सकती, पर यहां पे जब हमने मापी है दृष्टि तो हमें समझ में आया है कि यहाँ पे आठवीं दृष्टि अधिक है। यह इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं कि सातवीं दृष्टि पूर्ण है, हम सही नहीं कहते। 180 डिग्री वाली जो दृष्टि है वह दृष्टि पूर्ण है। अगर हम वह एक बार समझ ले तो फिर हमें यह तकलीफ नहीं होगी। तो गणित से हमें यह समझ आ जाएगी। और जब भी हम किसी कुंडली का अध्ययन करें तो यह बहुत आवश्यक है कि हम समझें। हम कई बार कहेंगे कि ऐसी वाली कुंडली हमारे समक्ष अगर आ जाए तो हम में से कई कहेंगे कि अरे चंद्र की दृष्टि पूर्ण है शुक्र पर और चंद्र की दृष्टि अपूर्ण है बुध पर। पर सही तो यह है कि बुध पर चंद्र की दृष्टि अधिक है ना। तो हमारा यह जानना बहुत जरूरी है। तो इसी कारण गणित जानना जरूरी है, राइट। यू मे ऑफन गेट इन फ्रंट ऑफ यू अ हॉरोस्कोप लाइक दिस वेयर यू विल अज्यूम दैट सेवंथ एस्पेक्ट इज स्ट्रॉन्गर एंड एथ एस्पेक्ट इज वीकर, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो।